तो गाइज आज हम लोग जो है संडे है और चलते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बांका, यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे है और आज हम लोग आउटर व्यू देखेंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बांका का। तो चलते हैं जल्दी से देखते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। और जैसे भी कॉलेज होता है, बहुत सारा कॉलेज भी एक टाइप का बना हुआ है, लेकिन होता है आउटर व्यू में और अंदर इनर व्यू में बहुत डिफरेंस होता है। कुछ लोग बाहर से आते हैं और बताते हैं कि ये कॉलेज ऐसा है, यहाँ वैसा है, लेकिन हम लोग जो है अभी जीटी बांका के रेगुलर स्टूडेंट हैं, फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, और हम लोग जो है जितना हम लोग बेहतर से जानते हैं इस कॉलेज को, मुझे नहीं लगता है कि कोई बाहर का यूट्यूब का ब्लॉगर या कोई भी चैनल वाला जानता है। तो आज दिखाते हैं आप लोग को कि आप लोग जीटी बांका है कैसा कॉलेज। ठीक है, तो चलते हैं जल्दी से। बस यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर कॉलेज है, यहाँ दूर से दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो गाइज चलते हैं जीटी बांका। तो गाइज हम लोग और नज़दीक आ गए हैं जीटी बांका के, देख सकते हैं यहाँ पीछे का जो बिहाइंड का व्यू है थोड़ा बहुत दिख रहा है, बैरिकेडिंग है। और हम लोग अब जा रहे हैं फ्रंट गेट पे। ये जगदीशपुर भागलपुर जो है मेन रोड है और यहाँ जस्ट हम लोग कॉलेज के गेट के पास आ चुके हैं। यहाँ से बस 10 से 20 मीटर है कॉलेज। देखिए बाहर से कैसा दिख रहा, थोड़ा सा पेड़ पौधा, यहाँ पर्यावरण जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो पूरा क्लियरली विजिबल नहीं है कॉलेज, लेकिन इसीलिए हम लोग जा रहे हैं मेन गेट। बेसिकली संडे को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि जीपी बांका का मतलब डिसिप्लिन। यहाँ जितना डिसिप्लिन मेंटेन होता है पूरे बिहार में किसी भी कॉलेज में नहीं होता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन हम लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट को जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, बस एकेडमिक सेशन नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग इसलिए आज जो है आउटर व्यू दिखाएंगे और कल जो है हम लोग जो न्यू ब्लॉग हम लोग बनाएंगे उसमें अंदर क्या क्या होता है, क्या फैकल्टी है, क्या पढ़ाई होता है, टोटल के बारे में जानकारी देंगे आप लोग को। और गाइस देखिए हम लोग आ चुके हैं मेन गेट पे, ये इसका बोर्ड है, साइड बोर्ड है, और ये रहा हमारा जीपी बांका का फ्रंट व्यू। ये हमारे कॉलेज के जो स्टूडेंट लोग हैं, देखिए चमचमाता हुआ जीपी बांका। देखिए इधर साइड में जो है, राइट साइड में आपको इंडियन ऑयल्स का पेट्रोल पंप है, सामने दुकान वगैरह है, और इधर से भी आप आ सकते हैं। देखिए यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ है पॉलिटेक्निक कॉलेज कोतवाली का, और ये रहा हमारे कॉलेज का फ्रंट व्यू। सेशन बंद है, इसीलिए हम लोग जो है ना आउटर व्यू लेंगे, हॉस्टल वगैरह दिखाएंगे आप लोगों को, गार्डन वगैरह, प्लेग्राउंड वगैरह। और गर्ल्स हॉस्टल में जाना अनुमति नहीं है बॉयज लोग के लिए, बॉयज क्या पूरे कॉलेज के कोई जेंट्स फैकल्टी जा ही नहीं सकता है, मेल फैकल्टी गर्ल्स हॉस्टल उसके लिए अलग लेडीज फैकल्टी है। तो हम लोग उधर का व्यू नहीं लेंगे, बस दूर से दिखाएंगे आपको आउटर व्यू। और हम लोग बॉयज हॉस्टल जाएंगे, कैंटीन और मेस का ओवर व्यू लेंगे। तो चलते हैं गाइज आगे।
सूट हो चुका है और अब हम लोग जो है अब अपने रूम जाएंगे। जीपी बांका से निकल रहे हैं और एकेडमिक सेशन आज बंद था जिसके वजह से आज हम लोग जो है आउटर व्यू और मेयर्स का व्यू लिए हैं। कल जो है कल हम लोग कॉलेज का पूरा व्यू लेंगे, अंदर का दिखाएंगे, फैकल्टी वगैरह के बारे में। फिलहाल ये वाला ब्लॉग अभी एक घंटे के अंदर अपलोड करेंगे, तो गाइज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।